मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आठवीं कक्षा में हम नौवां चैप्टर पढ़ रहे हैं बीजी व्यंजक एवं सर्वसेमी का, जिसमें आज हमारे पास है 9.5 प्रश्नावली। तो 9.5 प्रश्नावली में देखिए, निम्नलिखित गुणनफलों में से प्रत्येक को प्राप्त करने के लिए उचित सर्वसेमिका का उपयोग करना है, यानी कि हमें सर्वसेमिका लगानी है। आपको चार सर्वसेमिका लिखाई दी, उनको अच्छी तरह से याद करें, कौन सी सर्वसेमिका इनमें लगती है उस सर्वसेमिका का प्रयोग करें, सर्वसेमिका का अवश्य प्रयोग करें। तो पहला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, पहले का x प्लस तीन, ये दोनों गुणा हो गए, तो दोनों समान हमारे पास बीजीय व्यंजक है और दो कोष्ठक है, गुणा हो रही, तो इसको हम यहाँ पे देखिए हल लगा के x प्लस तीन का होल स्क्वायर ले लेंगे और इसके बाद में यहाँ पे आप सर्वसमीका लिखोगे, सर्वसमीका a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अनुसार आप लोग इसको हल करोगे तो a का मान है x, b का मान है प्लस का तीन, यानी तीन, तो x प्लस तीन का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस दो गुणा a, a यहाँ पे x है, गुणा b का मान तीन है, प्लस b स्क्वायर, तो b यानी तीन का स्क्वायर बराबर, कोष्ठक ओपन करेंगे तो x स्क्वायर, इन तीनों पदों को गुणा करते हैं तो तीन दूनी छः x प्लस के छः x प्लस के तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ। इस तरह से हमें ये पहला सवाल करना है। इसी तरह से हमारे पास इसमें आ रहा है चौथा सवाल, देखिए सवाल नंबर चार, देखिए 3a-1/2 और 3a-1/2, यहाँ पे हम देखते हैं तो हमारे पास ये माइनस के दोनों पद में माइनस के समान है, तो होल स्क्वायर में ले लो इसको, 3a-1/2 का होल स्क्वायर, उसके बाद में यहाँ पे आप सर्वसमीका लगा दीजिए, सर्वसमीका लगाओगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस दो ए बी और प्लस का b स्क्वायर, यहाँ पे a का मान है वो 3a है और b का मान 1/2 है, माइनस नहीं लगाना, माइनस नहीं देखना, माइनस यहाँ सर्वसमीका में आ गया, तो a माइनस बी यानी कि 3a-1/2 का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर, माइनस का निशान लगा दो, दो गुणा a, a का मान 3a है, 3a गुणा b, b का मान 1/2 है, माइनस का 1/2 नहीं बोलोगे, प्लस प्लस लगा दीजिए, b स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, उसके बाद में इसको ओपन करेंगे हम तो 3 स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर, इस पूरे कोष्ठक का स्क्वायर करेंगे तो 3a 9a स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है तो माइनस का 3a बच गया है, उसके बाद में प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, इस तरह से इसका ये उत्तर आएगा। उसके बाद में चौथे के बाद में आप लोग देखिए यहाँ पे छठा सवाल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग सर्वसमीका देखोगे तो देखो पहला पद इसमें समान नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लोगे, फिर हल b
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लोगे और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको सर्व समीका लगानी है, इसमें सर्व समीका यहाँ पे लिखोगे सर्व समीका, एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी है, दोनों को गुणा करवाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक का मान ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, एक का मान यहाँ पे बी है तो बी स्क्वायर का स्क्वायर ए लिखिए, तो एक का मान हमारे पास यहाँ पे बी स्क्वायर था उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस बी स्क्वायर है तो पहले बी का मान लिखिए ए स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर करेंगे, उत्तर आ जाएगा बी की घात चार माइनस ए की घात चार, इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आगे देखिए छठा सवाल हो गया है, आठवां सवाल देखिए ऐसा ही है, आठवां आप स्वयं करेंगे, नौवां देखिए अंतिम सवाल नंबर नौ, नौ पॉइंट पांच पहले का नौवां सवाल, अक्स बट्टा दो प्लस तीन वाई बट्टा चार ऐसे सवाल बता दिए हैं, एक बार और देखिए हल, ये दोनों कोष्टक समान है तो अक्स बट्टा दो प्लस तीन वाई बट्टा चार का होल स्क्वायर ले। अब आप यहाँ पे सर्व समीका लगाओगे तो सर्व समीका बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस का बी स्क्वायर, एक का मान यहाँ पे अक्स बट्टा दो है तो अक्स बट्टा दो का प्लस अक्स बट्टा दो प्लस तीन वाई बट्टा चार का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी एक का मान लिखो फिर स्क्वायर कर दो तो एक का मान एक्स बट्टा दो है इसका होल स्क्वायर प्लस दो गुणा एक का मान लिखेंगे तो एक्स बट्टा दो गुणा बी तीन वाई बट्टा चार, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर है तो बी का मान लिखो तीन वाई बट्टा चार इसका होल स्क्वायर। यहाँ से हम कोष्टक ओपन करेंगे तो अक्स का स्क्वायर करेंगे तो अक्स स्क्वायर बट्टा दो का भी स्क्वायर करेंगे तो चार, यहाँ देखिए दो से दो कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बच गया प्लस का तीन बट्टा चार अक्स और वाई गुणा करेंगे तो अक्स वाई, अक्स स्क्वायर बट्टा चार प्लस तीन बट्टा चार अक्स वाई प्लस तीन वाई का होल स्क्वायर करेंगे, तीन वाई का स्क्वायर है नौ वाई स्क्वायर बट्टा चार का स्क्वायर करेंगे तो सोलह, इस तरह से पहला सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें जो बचे हुए सवाल हैं वो आप लोग होमवर्क में कर लोगे। उसके बाद में सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, दूसरा सवाल देखिए अब 9.5 प्रश्नावली का दूसरा सवाल, निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए सर्व समीका, आपकी बात क्या करना है दूसरे सवाल में ये सर्व समीका लगानी है आपको, फिक्स है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, इस सर्व समीका का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसमें पहला ये सर्व समीका तभी लगती है जब एक ही पद समान हो, दो गुणनफल दो बीजीय युग्मक का गुणनफल करना हो उसमें यदि पहला पद
समान हो या दूसरा पद एक पद समान हो। यहाँ भी हमारे पास x प्लस तीन दे रखा है और x प्लस सात, सर्वसमी का आप यहाँ लगाओगे x प्लस ए और x प्लस बी बराबर x स्क्वायर प्लस x इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। x प्लस ए और x प्लस बी ये सवाल है, x प्लस तीन और x प्लस सात सवाल लिख दिया, बराबर x का स्क्वायर यानी कि पहला पद है x, यहाँ पे क्या होता है जो समान पद है उसको लेते हैं, तो यहाँ समान पद x है दोनों में, फिर a ए हो जाएगा b ये दूसरा हो जाएगा, जो असमान पद है उसमें एक a हो जाएगा दूसरा b हो जाएगा, अक्स का मान यहाँ पे अक्सी है तो अक्सी इसका स्क्वायर प्लस अक्स का मान अक्सी है इंटू ए का मान तीन है प्लस बी का मान प्लस का सात है, बी का मान प्लस का सात है प्लस ए इंटू बी यानी तीन गुना सात। उसके बाद यहाँ से हम हल करेंगे तो अक्स स्क्वायर सात और तीन को हम जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो दस, और 10 है वो अक्स से गुणा हुआ तो प्लस के 10 अक्स और प्लस के 21। इस तरह से इस गुणनखंड को आप सर्वसमीकरण की सहायता से हल करोगे। उसके बाद में इसमें देखिए सवाल नंबर तीन देखिए, तीसरा सवाल देखिए, चार एक्स माइनस पांच और चार एक्स माइनस एक आप लोग हल लगाओगे और सर्वसमीका लिखोगे, सर्वसमीका आपके सामने है x प्लस ए और x प्लस बी बराबर x स्क्वायर प्लस x इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी यानी चार एक्स माइनस पांच ये लिखोगे आप सवाल, यहाँ पे एक्स का मान तो हो गया जो समान है चार एक्स है इसमें, उसके बाद असमान है उनको एक को ए ले लो और एक को बी ले लो, तो एक का मान माइनस पांच होगा बी का मान माइनस का एक होगा, एक्स का मान यानी चार एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स इंटू एक का मान माइनस का पांच है और बी का मान हमारे पास माइनस का एक है, तो यहाँ पे प्लस था वो माइनस बन जाएगा क्योंकि प्लस माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस माइनस पाँच गुणा माइनस का एक, और यहाँ से इसको हल करेंगे तो चार एक्स का स्क्वायर करेंगे तो सोलह एक्स स्क्वायर, चार एक्स गुणा यहाँ माइनस के छः हो गए, माइनस पाँच में माइनस एक और मिलाओगे तो माइनस के छः हो जाएंगे, और माइनस छः को यदि प्लस चार एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस के चौबीस एक्स आएंगे, और यहाँ से इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस पाँच को है यदि हम माइनस एक से गुणा करेंगे तो प्लस का पाँच आएगा, ये प्लस का पाँच आ जाएगा। इस तरह से ये सवाल होगा। उसके बाद में एक अंतिम सवाल देखते हैं हम, सातवां सवाल, बाकी जो बीच में छोड़ते हैं वो आप करोगे। सातवां सवाल देखिए, एक्स वाई जेड माइनस चार और एक्स वाई जेड माइनस का दो, सर्वसमी का लगाइए सबसे पहले वही एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस का इंटू बी। अब यहाँ एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी है तो ये सवाल हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक्स का मान एक्स वाई जेड है और फिर ए का मान माइनस का चार है तो एक्स वाई जेड माइनस चार लिखोगे और एक्स वाई जेड माइनस का दो ये एक्स प्लस बी हो जाएगा, बराबर एक्स का मान यहाँ पे एक्स वाई जेड है, एक का मान माइनस चार बी का मान माइनस दो है, जो समान है उसको एक्स लेना है
ए और बी समान हो जाए। तो एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड इंटू ए प्लस बी यानी कि माइनस चार, और ये भी माइनस का दो है, प्लस माइनस चार गुणा माइनस का दो। यहां से हम जब एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों पे लगेगा स्क्वायर। एक्स वाई जेड माइनस छः से गुणा होगा, माइनस छः कैसे आया, माइनस चार में माइनस दो प्लस कर देंगे हम, दोनों माइनस के हैं तो ये हमारे पास माइनस का छः आया। माइनस छः को प्लस का एक्स वाई जेड से गुणा करेंगे, माइनस के छः एक्स वाई जेड, और माइनस चार को माइनस दो से गुणा करेंगे तो प्लस के आठ आएंगे, ये प्लस का आठ हो। इस तरह से ये दूसरा सवाल कंप्लीट होता है प्रश्नावली 9.5 का। इसी तरह से हमारे पास सवाल नंबर 3 आ रहा है, सर्व समीकरण का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए या फिर वर्गों को ज्ञात कीजिए। अब की बार वर्ग दिए हुए, तो ये हम पहले कर चुके हैं। ऐसे जैसे पहला है b माइनस सात का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप सर्व समीकरण लगाओगे, हम लगा के इसमें उचित सर्व समीकरण लगानी है, जो लगेगी वही a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस दो ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ए का मान यहाँ पे b है और फिर माइनस सात इसका होल स्क्वायर बराबर a का मान यानी कि बी स्क्वायर माइनस दो गुणा ए का मान बी है गुणा बी का मान सात है, माइनस सात नहीं है, निशान केवल ए की सर्व समीकरण देखनी है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाले में, बाकी सर्व समीकरण में निशान आ जाएंगे इसलिए निशान न देखें, इसलिए माइनस न देखें, सात ही है बी का मान, प्लस बी स्क्वायर यानी सात का स्क्वायर। यहाँ से हम सर्व समीकरण हल करेंगे तो देखो बी का होल स्क्वायर रहेगा तो बी स्क्वायर, इनको गुणा करेंगे तो माइनस के चौदह है बी और प्लस के सात का स्क्वायर 49। इसी तरह से इसमें सवाल नंबर 4 देखिए, तीसरे का चौथा, दो बटा तीन है प्लस तीन बटा दो एन इसका होल स्क्वायर। यहां से सर्व समीकरण लिखोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस दो ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ए का मान यहाँ पे दो बट्टा तीन एम है तो दो बट्टा तीन एम प्लस का निशान, फिर बी का मान तीन बट्टा दो एन है तो तीन बट्टा दो एन इसका होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए का मान लिखिए दो बट्टा तीन एम इसका होल स्क्वायर प्लस दो गुणा ए गुणा बी है तो एक का मान लिखो दो बट्टा तीन एम गुणा बी का मान तीन बट्टा दो एन प्लस बी स्क्वायर है तो प्लस तीन बट्टा दो एन इसका होल स्क्वायर। अब यहां से इसको ओपन कर दीजिए, कोष्टक हैं उनको हल कर लीजिए, तो दो बटा तीन का होल एन दो बटा तीन एम का होल स्क्वायर सबका स्क्वायर करेंगे, दो का स्क्वायर करेंगे चार बटा तीन का करेंगे नौ एम का करेंगे तो एम स्क्वायर। यहाँ से देखो दो से दो कट गए तीन से तीन यानी कि कट गया तो बच्चा क्या हमारे पास दो ही बच्चा क्यों, ये देखिए तीन से तीन कट गया दो से दो कट गया प्लस के दो बच गए और एम एन, उसके बाद प्लस तीन बटा दो एन इसका होल स्क्वायर करेंगे तो तीन का स्क्वायर करेंगे तो नौ बट्टा दो का स्क्वायर करेंगे चार और एन का स्क्वायर करेंगे एन स्क्वायर, ये इसका उत्तर आएगा। इस तरह से ये तीसरा सवाल अपना कंप्लीट होता है। इसके बचे हुए सवाल हैं 6 तक हैं, ये आप लोग स्वयं करोगे। उसके बाद में हमारे पास इस प्रश्नावली के 3 सवाल बच गए हैं जो हम कल देखेंगे, तो आज ये 3 तक सवाल कंप्लीट कर लोगे, बाकी कल देखेंगे। थैंक यू।